तो यार बहुत वेलकम तुम्हारे इस मीर गिरत के नेक्स्ट एपिसोड। भाई तुम देख लो आज अपने सामने भाई ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी अपनी YouTube पे बहुत ज्यादा फेमस है। भाई इस गाड़ी को हम क्या बोलते हैं, लाउडेस्ट ब्रियो है ये हा? भाई लाउडेस्ट कह सकते हैं 1.2 में, हाँ एंड साथ ही साथ में ओनली वन इन इंडिया क्योंकि बम्पर आ गया पूरा। अच्छा मतलब ऐसी ब्रियो नहीं है इंडिया में पूरी, है ना? अब इसके बाद कोई बना ले तो बात अलग है। बस तो गाड़ी हम ऊपर लेके आ गए, अब जरा फिर से हम बात करते हैं। तो जैसा भाई बोल रहे हैं कि यार ये जो अपना बम्पर है, ये बम्पर फुल्ली कस्टमाइज है शौकीन भाई से, हाँ जी भाई, है ना? तो क्या क्या काम हुआ पहले तो कस्टमाइज बॉडी किट्स में, जरा वो बताओ मुझे। एक बेसिकली एक से डेढ़ महीना लग गया था ये अच्छा। बम्पर सिर्फ डिजाइन करने में। अच्छा अगर आप ये देखोगे ना भाई, यहाँ से पूरा कनेक्टेड था बीच में से, okay. और जो ये वाला हिस्सा था ये बिल्कुल यहाँ था। अच्छा। तो थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगने लगा तो मैंने उसको कटवा के फिर से कस्टम वो प्लान करके पूरा अच्छे तरीके से फिर से बनाया। अच्छा उसका थोड़ा स्कूप लगवाया शकीन भाई ने, हमारे लिए हमारे को गिफ्ट मिला शकीन भाई से। अच्छा ये मेरे को पता नहीं था, उन्होंने मेरे को गिफ्ट दिया कि भाई अच्छा लगेगा, उन्होंने ये अच्छा लग रहा है, वैसे अच्छा लग रहा है, एग्रेसिव लगते आगे से। हाँ ये तो है। और फिर एक JDM लोगो जो आजकल आपको पता है वो लगाया, बाकी टोइंग को छोटी मोटी चीज होगी। मैश इसके अंदर मेरी प्रॉपर जो आपने देखा होगा जो ब्लैक वाली मोटी रबर वाली आती थी, हाँ। वो लगी हुई थी बट वो कुछ चला के ले गया, तो फिर मैंने अभी टेंपरेरी ये लगा दी कि अब क्या ही करना है, इतना मैं रन नहीं करता, घर वाली गाड़ी चलाते हैं। अच्छा इसलिए ऐसा रखी। ओके तो अभी बहुत कुछ है इस गाड़ी में। हम अगर लाउडेस्ट ब्रियो देखो, वन इन इंडिया तो यार लुक के हिसाब से सब कुछ है ठीक है, पर 1.2 में मतलब 1200cc में लाउडेस्ट है सबसे, है ना? तो हम बात करते हैं एग्जॉस्ट को सब कुछ, लेकिन जरा मुझे बॉडी से बताओ, एक यहाँ पे हो गया ठीक, और पीछे से भी अपने कराए भाई बम्पर, आप बताओ क्या लगता है आपको? यार नहीं देखो मुझे शौकीन भाई का काम ना पूरा अच्छे से पता है, ये बम्पर पूरा चेंज है क्योंकि ये जो ग्रिल वाला बैटर है ना उनकी तरफ से मिलता है ऐसा, मतलब इस तरीके से शेप देके चेंज लग रहा है ना आपको? नहीं है क्या? तो मेरे ख्याल से इसमें कटिंग मारी है, ये बम्पर कस्टम है, कंपनी का बम्पर है, उस पर हमने पूरा कस्टम यहाँ। ओके वैसे तो मेरे ख्याल से पता है यार ये चीज़ सबसे बेस्ट होती है, अगर आप कंपनी के बम्पर में कुछ डिज़ाइन देके हल्का सा चेंज कर दो ना, तो वो एक अच्छी चीज़। मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि यार मजबूती रहती है फाइबर में, क्या है देखो फाइबर शौकिया बंदों के लिए है, फाइबर क्या है एक बार लगे तो सीधा फटता है, ठीक है तो भाई फिर अपनी मेन जो कंपनी वाली बम्पर है उसमें तुम कुछ डिजाइन दे सकते हो। जैसे मैं तुम्हें यहाँ दिखा, तो देखो यहाँ पे लगा हुआ है तो इस तरीके से मतलब भाई ने भी चेंज नहीं आया क्योंकि पूरा ही चेंज होगा फिर, है ना? नहीं पूरा चेंज नहीं होगा, रिपेयर आता है, ये रिपेयर होता है, फाइबर भर जाएगा पूरा। अच्छा दो बार भरवा चुका हूँ सेम जगह पे, पर फिर पर परेशान अच्छा, हो गया क्या करूँगा कॉलोनी में क्योंकि जहाँ मेरा घर है, हाँ। जहाँ ये खड़े होते हैं ना थोड़ी पार्किंग थोड़ी सी ऊपर है, अच्छा चढ़ाते हैं ये टच होती ही होती है, होती होती है, ये दिक्कत है थोड़ी सी। ओके तो अब अगर मैं बात करूँ भाई, मैं पीछे देख पा रहा हूँ इस गाड़ी पे एक्रोपोविक की अपनी टिप लगी हुई है, है ना? तो इस एग्जॉस्ट का मुझे बताओ कि लाउडेस्ट भी है कहीं ना कहीं। भाई बताता हूँ, उससे पहले आपको एक बहुत फनी चीज बताता हूँ, अभी आप ये देख रहे होगे कि यहाँ पे है, हाँ मेरी यही यहाँ थी। क्या बात कर रहे हो? ये मेरी यहाँ थी, मैं कहीं स्पीड ब्रेकर से भी गाड़ी टेढ़ी करके निकालनी पड़ती थी। अच्छा मैं इतना परेशान हो गया था तो मैंने इसको कटवा के ऊपर करवा दिया। अच्छा प्रैक्टिकल नहीं था, तो जितने लोग बोलते हैं कि यार मॉडिफिकेशन केरला में ही होती है, मॉडिफाइड बंदे तो केरला मिलेंगे, दो तीन चीजें तुम जानते हो केरला के, मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा चीज को, केरला पे पोर्ट है, केरला पे सबसे पहले इंपोर्ट वगैरह जो मामला है वो उधर ही आता है ठीक है, पहले रीजन वो, ऊपर से केरला में स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा है, अगर तुम नहीं जानते ना, वो लोग जो कर पा रहे हैं उसके लिए हैट्स ऑफ है, पहली चीज तो ये है ठीक है। बाकी वहाँ पे रोड्स भी अच्छी खासी यार, वहाँ सबसे बड़ी चीज तो यही है ना, ट्रैफिक कम और रोड्स अच्छी है, वही तो वो सबसे बड़ी चीज होता है, वहीं गाड़ी मेंटेन भी हो जाती है उस वजह से। अब सिटी में ट्रैफिक बम्पर टू बम्पर चलते हैं, थोड़ी सी भी टच होगी ये तो फाइबर टूट जाएगा, अगले को क्या बोले। और दिल्ली में गाड़ी है भाई आपको डेंट खाई हुई ही मिलती है हर बार, तो अगर बात करो एग्जॉस्ट के बजाय मुझे एग्जॉस्ट का बताओ फिर से। तो भाई एग्जॉस्ट में बेसिकली पीछे अपने एक्रोपोविक की टिप्स लगी हुई है, अच्छा। वैलोटोनिक अपना एंड कैन जो लगता है वो लगा हुआ है, अच्छा। क्योंकि इतनी लाउड है भाई ऐसे नॉर्मल तो रख ही नहीं सकता, हाँ। परेशान हो जाऊंगा, तो वैलोटोनिक लगा हुआ है, उसके आगे स्ट्रेट पाइप होके अपना जो 2.5 डायमीटर की आती है वो लगी हुई है, एंड आगे पूरे कस्टम हेडर्स लगे हैं 4:1 हेडर से आया पूरा, या फिर हेडर्स मेरे कंपनी के जो उसके जो पाइप होते हैं डी कैट वाला वो पूरा मैंने वो करा रखा है, डी कैट है मतलब डी कैट है गाड़ी पूरी। अच्छा तो मुझे ये बताओ क्या डी कैट की वजह से इतना साउंड है, डी कैट की वजह से, और सारी ब्रियो में इतना साउंड निकल सकता है, तुम्हारे में अलग क्या है? सारी ब्रियो में निकल सकता है, अलग ये है कि मेरे जो डीकैड है ना मैंने 4:1 कर दिया, मतलब वो आगे चार पाइपें जा रही थी, अच्छा। मैंने सिंगल कर दिया तो इतनी वो उसकी वजह से ना वो आगे से एकदम टच से सीधी आ रही है बिल्कुल, तो डीकैड की वजह से लाउड हुई है, वैसे भी लाउड थी विदाउट डीकैड भी लाउड थी, हां प्लस उसका भाई स्टेज 2 भी डल रखा है इसके अंदर रीमैप। अच्छा ये रीजन भी है, ओके स्टेज 2 रीमैप है ये। सबसे पहले भाई साउंड सुनाते हैं, अब तुम लोग जरा देखो कि तुम लोगों के कान में क्या दर्द होने वाला है, ठीक है?
लोगों को पता चल जाएगा भाई, बहुत समझदार ऑडियंस है, देखो तो तुम ठीक है। विदाउट ऑफ में कर रहेगा भाई ने बेल्ट ऑन इसको, अब यहाँ पे भाई ने इसको ऑफ किया। शॉर्ट रखा है अभी, है ना, कि आस पास वालों को दिक्कत ना हो, क्योंकि इतनी भाई का यूट्यूब चैनल है, बहुत मेहनत कर रहा है आजकल, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, सब्सक्राइब करना जरूरी है, इंस्टाग्राम भी है ब्राउन गॉड जिला, ठीक है, आओ। अरे सुनो सुनो, गाड़ी का इंटीरियर देखते रहे ना, उससे पहले यार मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया कार परफ्यूम लेके आया, तुम जानते हो इन्वॉल्व कार परफ्यूम, जो कि यार मैं काफी ज्यादा पसंद करता हूँ, यू गाइस नो इट, जो अपनी मिहिर गलत की स्पेशल ऑडियंस है, मेरे साथ आज यहाँ पे इन्वॉल्व का रेन फॉरेस्ट परफ्यूम, जब मैं इसको स्प्रे करता हूँ ना अपनी गाड़ी में, भाई कूल फॉरेस्ट जैसी इसकी फ्रेग्रेंस है, ठीक है, और इंस्टेंट, मतलब मैंने उसको स्प्रे किया, इसमें इतना कंसेंट्रेटेड परफ्यूम है ना कि यार आराम से 2-3 महीने चलते हैं, फैमिली के साथ जाऊँ या दोस्तों से जाऊँ, मैं इसको जरूर यूज करता हूँ। ये देखो, ये मैंने यहाँ पे इन्वॉल्व इस परफ्यूम की अनबॉक्सिंग कर ली है, ठीक है, और यहाँ पे इसके अंदर हैंगिंग टैग आता है, जो कि मैंने ऐसे लगा दिया है, कुछ नहीं करना, इसके अंदर का जो ये परफ्यूम है इसे बाहर निकालना है, बाहर निकाला, ढक्कन खोला, और बस दो बार इसे बस यूं ऐसे छिड़कना है, ठीक है, जो कि अब मैं शायद 3 बार कर दिया होगा। गाड़ी के अंदर रह के तुम्हें नीचे की एकदम कूल फॉरेस्ट वाली फ्रेग्रेंस आएगी, तो मुझे लगता है इससे बेहतर क्या ही परफ्यूम होगा, ठीक है, और मेरा वन ऑफ द फेवरेट तो देखो ये वाला है, देखो इन्वॉल्व की साइट का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ठीक है, अपना कूपन कोड लगाओ मिहिर, जिससे 10% डिस्काउंट मिलेगा, और यूज करो यार। देखो मैं अपने चैनल पर ऐसे इन्वॉल्व के सारे परफ्यूम्स दिखाते हैं, तो क्योंकि मेरे लिए ये बेस्ट ब्रांड है, ठीक है, तो ऐसी चैनल पर बने रहो, और बाकी अब नेक्स्ट गाड़ी का इंटीरियर देखो, आओ जरा गाड़ी के अंदर बैठते हैं, पहले थोड़ा बात करते हैं। सोफा सीट्स लगी हुई हैं, सोफा सीट्स बोलते हो तुमसे? ओह सोफा सीट्स, सबसे बढ़िया सबसे सही है, चलो और मुझे बताओ, पहले मुझे बताओ इसमें, फिर हम ड्राइविंग का दिखाते हैं, क्या क्या तुमने भाई, बेसिकली यहाँ पे एंड्रॉइड भी लगा था, हाँ। कुछ इश्यूज हो रहे थे मुझे, तो मैंने एंड्रॉइड हटा दिया, मुझे कंपनी का बेस्ट लगा कि कंपनी ठीक है। अच्छा, स्पीकर के अंदर मैंने 1000 RMS का सिस्टम लगा रखा था। अच्छा, तो जब मैंने गाड़ी ट्रैक पे रेस भी करता हूँ मैं इससे BND, अच्छा, तो वेट पावर्स टू वेट रेशियो में फर्क आ रहा था, तो मैंने हटा दिया सब कुछ, तो स्पीकर जो कंपनी का था वो हटा के मैंने नॉर्मल इसमें 4 JBL के स्पीकर डाल रखे अपने, ताकि क्वालिटी अच्छी ठीक ठाक आए, मेरा वो काम निकल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको पता है पोर्ट आता है जो आजकल 3-1, क्योंकि इसमें अंदर भी लाइटें हैं, गाड़ी के नीचे भी लाइटें हैं, बट वो नीचे वाली मैं चलाता नहीं, मुझे अजीब लगती है। अच्छा, वो सिर्फ तब है जब इवेंट में कहीं खड़ी गाड़ी, सिर्फ तब चलते हुए मुझे थोड़ा चीप लगता है, जो ओके अपना है। हाँ जी भाई, तो पर ये बहुत सही डिवाइस है, तुम लोगों को लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये एक ही 12 वोल्ट का मिलता है इसमें, है ना, बिल्कुल। और इसमें सबसे बड़ी चीज भाई, अभी देखो वोल्टेज दिखा रहा है मेरी गाड़ी में बैटरी कितनी वोल्टेज है, अगर बैटरी डाउन हो जाए तो यहाँ पता चल जाएगा कि वोल्टेज गिर रही है गाड़ी की। ओके, तो ये बड़ी चीज है। और इसमें पोर्ट्स आप गिनोगे तो 3 तो आपको ये दिख गए, हाँ, 1-2 ये और भी है USB। अच्छा, तो ये 5 मेरा ऐसे कितने का आता है ये भाई? Amazon से लिया था, 800-900 के आसपास का आता है। अच्छा, और क्या बोलते हैं इसे अगर पब्लिक को लेना हो तो? 3-1 सिगरेट लाइटर पोर्ट मैंने लिखा था, तो ऐसे, आ गया था, ऐसे आ। चलो ठीक है, तुम लोग बाय कर सकते हो ना, बहुत लोग पूछते हैं कैसे कैसे बाय करना है। अब अगर मैं देखूं स्पोर्टी वाला भाई ने यहाँ पे गियर नॉब लगा रखा है, इनका जो आता है स्टैंडर्ड अपना होंडा, जो अपना एक बड़ा वाला भी आता है, छोटा हो गया भाई नॉब, इसका बड़ा रीजन है, इसका गियर यहाँ तक था सिर्फ, जैसे अगर आप दिखाओगे ना, इतना छोटा सा था, इतना था, तो अब क्या है आमिर तो आता नहीं इसमें, ये मैंने बाहर से खुद बनवा के लगवाया। अच्छा, तो ये अब ये देखो ना, मेरा हाथ बिल्कुल सीधा है, मुझे कोई स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सीधा ऐसे गियर लग गया, हाथ रखे। अच्छा, रखे गियर लग गया, तो मैं अपनी हाइट के हिसाब से अपने कस्टमर, हाँ, उसके के, ताकि अगर इतना है ना, अगर आप भी हाथ रखे वहां से भी ट्राई करो, आप देखो मैं कैमरा पकड़ता हूँ, चलो आप ये देखो हाथ रखे, देखो बिल्कुल सीधा हैंड ही होगा, अगर सिर्फ हाथ ऐसे भी रख दोगे गियर लग जाएगा। ये बात तो एकदम ठीक है यार, तो ये फायदा हो जाता है। ओके, तो ये चीज है भाई, तो भाई अब जरा इसको चलाओ यार। भाई मैं सोचता हूँ इस गाड़ी में सिस्टम का कैसे सुना, सिस्टम बेसिक है भाई, बेसिक है, सुना देंगे लास्ट में, ऑडियो की छोटी सी क्लिप डाल देंगे इसकी, बट वैसे तो दिखा देते हैं। एग्जॉस्ट ऑन है ना इसका, अभी ऑफ रखेंगे, थोड़ा सा आगे निकल के फिर खींच के दिखाते हैं। डन, मैं थोड़ा सा शीशा खोलूंगा ये वाला भाई, थोड़ा सा इशू कर रहा है इसकी रिले में, कुछ इशू है, मैं यहाँ से खोल देता हूँ पीछे वाला। डन डन, ठीक है, बाकी इसका लॉन्च भी आपको दिखाते हैं कैसे होती है। अभी नॉर्मल चल रही है, जैसे आप देख रहे हैं नॉर्मल एकदम, और अभी ये ऑफ में, ठीक है, ट्यून्ड प्रॉपर, स्टेज 2 ट्यून्ड। अच्छा, ये जरा मुझे बताओ ब्रियो में कितना BHP किस स्टॉक में मिलता था? स्टॉक 87 था, करंटली अराउंड 110 से 115 के बीच में निकला। अच्छा, इतना हो गया, और टॉर्क कितना हो गया? 120 आता था, 140 है। अच्छा, 140 हो गया, 140 है। ना भाई, तो ज्यादा गेन नहीं आता, तो मैंने आपको इतना गेन बताया भी है, फिल्टर हो गया, पाइपिंग हो गई। अच्छा, फिल्टर भी लगा रखा है? फिल्टर भी लगा हुआ है, फिल्टर कोलर इनटेक लगा रखा है इसके अंदर। अच्छा, कौन सा फिल्टर है भाई? अपना KNN लगा हुआ है।
और अभी से नहीं गाड़ी को लगे हुए कम से कम 7-8 महीने तो मतलब जो वीडियो डाल रहे हैं उनकी क्वालिटी थोड़ी हो सकता है भाई कई बार कई चीज भाई देखो भाई मैंने क्लिक नहीं करी मैंने एक दो बार थंबनेल देखा था मैंने बिल्कुल देखा है मैंने खुद देखा भाई मेरा भी चैनल है तो मैंने भी देखा है कि लोग ना आजकल बीएमसी की बहुत बुराई कर रहे हैं मुझे पर्सनली अच्छा लगता है कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैंने केएनएन भी ट्राई करा है बीएमसी भी कर रखा है बेटर ये लगा बीएमसी बिकॉज जैसा भी खड़ी भी है आप देखो आगे थोड़ा ध्यान से लोग सुनेंगे ना तो विसल से आएगी पंप से आएगा हल्की हल्की या आपको बोनट से बाहर सुनाना पड़ेगा हाँ। तो और क्लियर आएगी तो ये भी आता है और बाकी अपना एग्जॉस्ट तो है ही ओके तो अब हमने एग्जॉस्ट ऑन कर दिया है अब ऑन कर दिया है चलो ठीक है तो अब लॉन्च करके दिखा देते हैं 0-100 तो नहीं हो पाएगा लॉन्च कर देते हैं अच्छे तरीके से ठीक है तो देख लो भाई मैं पकड़ लेता हूँ फोन को तो भाई इधर भी करो एक बार मैं देखना चाहता हूँ ये लॉन्च यार अब आप पकड़ो ताकि थोड़ा लॉन्च और बेटर करो ठीक है डन स्पीड देखो सेकंड गियर है और देखो कैसे सेकंड गियर है भाई फर्क आ जाता है क्योंकि ट्यून बेसिकली जो रखे ना ओएम रखे जीटी ट्यूनर्स का तो वो रिकमेंड ये कम से कम इसमें 95 ऑक्टेन डलवाओ आप ये सोचो भाई मैं गाड़ी मैं चलाता नहीं हूँ घर से मेरी गाड़ी सिर्फ रोज की चलती होगी 1-2 किलोमीटर बस अच्छा उसके लिए मैं क्या प्रीमियम फ्यूल डलवाऊ मेरे घर नॉर्मल पेट्रोल डलवाते हैं उसके बाद भाई मैं काम के लिए जाता हूँ ना तो भाई थोड़ा बहुत अपना जैसे क्लब व्लब भी बताया था आपको क्लब है सारे स्पीड डेमेंट और सब कुछ तो थोड़ा प्रैक्टिकली जैसे कोई मीटिंग में जाना है कुछ भी जाना है तो भाई मैं अपनी वरना लेके प्रेफर ज्यादा करता हूँ कि साफ सुथरी चुपचाप इज्जत से जाओ भाई मैं नहीं जानता इस गाड़ी को जरा इधर मोड़ो मुझे एक बार इस गाड़ी का टेस्ट लेना है भाई हो गया अब वो थी ना चुल चुल जाग गई है अब जरा इसको मोड़ दो भाई अब एक सामने तक का स्पिन लेके देखना है ठीक है और अब भाई का प्लान है आगे जाके एक नई गाड़ी भी ले रहा है ना जो कि सरप्राइज है जो सरप्राइज है उसमें क्या होने वो भी सरप्राइज है वो अभी नहीं बताया पर ऐसा हो जाएगा कि मजा आ जाएगा लोगों को लोगों को मजा आ जाएगा मतलब इसे तो और ऊपर होगी इसे तो बहुत ऊपर होगी ठीक है अच्छा मैंने बाकी सारी बातें कर ली यार सबसे पहले मुझे ये बताओ अच्छा बताने से पहले भाई अभी तो हम सही जगह पे हैं एक बार जरा एग्जॉस्ट का अच्छा अब तुम सुनो अच्छे से कि भाई मैं क्या बोल रहा था कान में दर्द हो जाएगा तुम्हारे ठीक है अब जरा इसको हम सीधा मैंने सेकंड गियर में उठाया ठीक है और वो भी थर्ड गियर पे हाँ जी भाई ये सीन है ओहो तुषार भाई मतलब यार ये गाड़ी तुम सेल कर रहे हो मैंने सुना है हाँ जी भाई किसको सेल करोगे भाई अभी है अपने साथ 2-3 लोग एक मेरा फ्रेंड भी वो कह रहा है मेरे को दे दे उसको इसका इंजन स्वैप करना है वो अच्छा, इंजन स्वैप कर देगा भाई कह रहा है मैं पूरा तैयार कर दूंगा उसके बाद मस्टैंग भी है तो अच्छा अच्छा वो वाला भाई हां मैं समझ रहा हूं हां तो इसलिए वो कह रहा है भाई अगर एग्जॉस्ट ऑफर के लॉन्च करके देखो फर्क बताना क्या लगता है ना ना अच्छा पक्का फर्क बताना है ऐसा कर लेते हैं एग्जॉस्ट ऑफ और एकदम से क्लच छोड़ दो आप दबा के रखोगे ना तो पावर लैग देगी ठीक है सामने खाली स्ट्रेच है हां जी भाई ओके अच्छा व्हील स्पिन प्रॉपर व्हील स्पिन अच्छा कुछ ये वाली भाई बात कर रहा था ठीक है हमने क्लच से पैर पूरा डाल दिया है अब यहां से मैं इसको थर्ड पे डालूंगा ओ भाई क्रेजी यार क्रेजी सो मुझे लगता है 7-8 सेकंड बस 8.5 के आसपास पहुंच जाते बेहतरीन यार बेहतरीन ओहो मतलब वेलवेट ऑन एग्जॉस्ट ऑफ करने के बाद ज्यादा स्पीड निकलती है इसमें भाई ऐसा कुछ है नहीं बस फर्क ये है भाई ऑन होता है ना तो आवाज के चक्कर में पता नहीं चलता ऑफ करके पता चलता है परफॉर्मेंस बिल्कुल सेम है ऐसा कोई वो नहीं है अच्छा ये चीज है चलो बहुत बढ़िया भाई
अब लास्ट में मैं जरा यार तुमसे पूछना चाहता हूँ यार, इस गाड़ी के कुछ नेगेटिव बता दो, क्योंकि होंडा ब्रियो आज भी लोगों की बहुत फेवरेट है। ये तो है भाई, ठीक है, अगर हम कुछ नेगेटिव का पूछे तो यार नेगेटिव यही है कि मैंने वेट इतना हल्का कर दिया, तो उस चक्कर में कई बार मुझे लगता है कि स्टेबिलिटी में थोड़ा सा डर लगता है, थोड़ा होता है ये चीज़ है कि आपने देखा होगा कैसे एकदम से हाँ। तगड़ा व्हील्स पे ले वही और थोड़ा हिल भी गई थी गाड़ी, तो उसके लिए मैंने करा वैसे होकर चेंज कर दिए थे इसके। अच्छा। बट स्टिल मुझे तब भी तक कॉन्फिडेंस नहीं आता, अपने कॉन्फिडेंस की वजह थी भाई, मैं तभी इसको इतना पहले बहुत खींचता था, अब वरना जाने लग गया तो वरना में स्टेबिलिटी के नहीं आ जाता तो इसको थोड़ा सा डर लगता है, तो मैं आराम से चलाता इसको। अच्छा ठीक है, तो और सबसे मेन नेगेटिव कुछ है नहीं और इसके अलावा ये बाकी तो भाई गाड़ी बढ़िया एक नंबर है, पीछे स्पेस कम है वो तो यार आजकल छोटी गाड़ी में दिक्कत है, और कहीं ना कि ब्रियो को पॉकेट वॉकेट बोलता हूँ भाई, भाई है गाड़ी है भी ऐसी और ये तो अलग है। चलो इसी नोट पे वीडियो को हम ये पे एंड करते हैं, तुम्हारे पास अगर कोई मॉडिफाइड गाड़ी आते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, मैंने अपने हर वीडियो डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम पर लिंक दे रखा है, जाओ अपनी गाड़ी की फोटो भेजो, तुम्हारे पास तुम्हारे दोस्तों का गाड़ी हो उसकी फोटो भेजो, ऐसी मिलजुल के चलेंगे तभी हम आगे मामला 35 कर देंगे, ठीक है। सबसे मेन तुषार सचदेव को यूट्यूब सब्सक्राइब करना है, ठीक है भाई, अपना मेहनत कर रहा है, और जो भी भाई नई गाड़ी लेके आएगा वो भाई अपने चैनल सब्सक्राइब रिवील करेगा, ठीक है, तो सब्सक्राइब करना है, साथ साथ मेरे सब्सक्राइब करो, कमेंट कर देना प्यार तुम्हें गाड़ी कैसी लगी, आई थिंक गाड़ी पसंद ही आएगी है ना, तो जरा प्यारे प्यारे कमेंट भर देना एकदम। चलो लाइक से सब्सक्राइब, एंड करते वीडियो को, तो यार मैं मिहिर कल आपसे अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय, ऐसे करो फुल गलत साइनिंग आउट।